हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू चैम्प लाइव क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, एचटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 5-6 जनवरी को होने वाला है। उसके बारे में पासिंग स्कोर, उसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवा दी। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स अपियर होने जा रहे एग्ज़ाम में, उनको उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स याद करना है आपको, मतलब कि याद रखना है ये सब चीज़ें कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम में अपियर होने दिया जाएगा और आपको कौन कौन सी जो उनके रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। तो आपको मैं पॉइंट्स बता देती हूँ, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जा रही है, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो क्या है, इसमें बिल्कुल भी आप ट्राई नहीं करें कि कुछ आप कुछ लेके जाएं चीटिंग के लिए, कॉपी करने के लिए, ये सब कुछ। और ये आपका जो सेकंड पॉइंट है, ये कि एडमिट कार्ड हैविंग रोल नंबर स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट एंड द नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल हैव टू बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो जो आपका एडमिट कार्ड है, आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है sstateonline.com, यहीं से आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए आपके पास। उस पर आपकी क्लियर ई फोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर होनी चाहिए। तो ये आप दो चीज़ें याद रखें। द एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस इफ कैंडिडेट्स अनलॉफुल अपियर फ्रॉम अ सेंटर अदर देन द नॉट वन अलॉटेड। जैसे कि आपका, अगर आप कोई, आपको जो एग्जाम सेंटर है, आपको कोई दूसरा एग्जाम सेंटर दिया गया है, आप किसी और पे एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं, तो आपको ये लॉ के खिलाफ हो जाएगा और आपको बिल्कुल अपियर होने की वो नहीं है। और आपका जो एग्ज़ाम है अपियर होने का, वो राइट भी आपसे जो है रिजेक्ट हो सकता है। और आपको इससे रिजल्ट में भी, आपको जो रिजल्ट क्या, आपकी जो है ना एग्जाम में अपेयर होने से आगे भी आपको वंचित किया जा सकता है। तो फ्री वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सिरकमस्टेंस। जैसे कि आपका एप्लीकेशन फीस आपकी सबमिट हो गए, तो आप किसी भी केस में आपको ये रिफंड नहीं होगी। अगर आप पास होते हैं, नहीं होते हैं, आपका एडमिट कार्ड आता है नहीं आता है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई थी कि आपको जो है सार एप्लीकेशन फॉर्म आपका अच्छे से फिलअप करना चाहिए। ठीक है, तो कैंडिडेट्स में नेक्स्ट है अपना, कैंडिडेट्स में बी कैंसिल इफ़ मोर देन वन एप्लीकेशन इज सबमिटेड फॉर द सेम लेवल। अगर आपने जैसे लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थ्री एग्जाम है इसमें, तो उसमें से अगर आपने एक ही पोस्ट के लिए आपने दो तीन एप्लीकेशन लगा दिए, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन लगा दिए, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकता है। इन केस एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड टू हैव फर्निश फॉल्स रॉन्ग, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपने उसमें गलत भर दी, तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। आपको उसके अलावा आपको आगे भी एग्ज़ाम्स में अपियर होने से वंचित किया जा सकता है। तो ये आपका जो है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने रोंग ना भरें आप किसी भी चीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है कि आपका जो फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन है, आपको जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है कलर्ड अपलोडेड वाइल सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड इंक्लूड डेट ऑफ फोटोग्राफ रिटन ऑन द स्लेट और एनी द स्ट्रिप एज बिलो। तो जो आपके, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपकी फोटो होगी, उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड जो सिग्नेचर है, वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। कैंडिडेट शेल अफिक्स देयर थंब इम्प्रेशन ऑन OMR आंसर शीट एट एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपका जो ये थंब इम्प्रेशन आपने उस टाइम अपलोड किया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम ही आपको मांगा होगा, तो आपका जो ये थंब इम्प्रेशन है वो आपके OMR सीट जो आएगी, आपको एग्जाम सेंटर में मिलेगी, उस पर भी आपको प्रिंट करना है। ठीक है, थंब इम्प्रेशन टू बी अफिक्स्ड बाय द कैंडिडेट मस्ट बी क्लियर। जो आपका थंब इम्प्रेशन आपका क्लियर होना चाहिए और वहाँ पे प्रॉपरली आपका जो है इंक्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करें आपके रिजल्ट में भी। अगर आपने सब कुछ अभी तक सही किया है, तो आप इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एग्जाम के टाइम क्या होता है कि अपन जल्दी जल्दी में कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आराम से एग्जाम दें, आराम से अपना पेपर पढ़ें, और पहले अपने सिग्नेचर, रोल नंबर, इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर यहाँ मिस्टेक कर देते हो आप लोग, तो फिर आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, फिर उसमें कोई मतलब ही नहीं निकलने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, और आपकी जो फोटोग्राफ है वो एडमिट कार्ड पे अच्छे से प्रिंट होनी चाहिए और अच्छे से, वो मैंने बहुत बार रिपीट कर दी है ये चीज़। उसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, तो बोर्ड ने स्ट्रिक्टली आपके, अगर एडमिट कार्ड आपका आया है, तो उसके शायद मैं मतलब कि उसके जो बैक एंड पे आपका जो है डिटेल दी गई होगी कि आपको क्या क्या अलाउ है वहाँ पे। तो इसमें आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया है इन लोगों ने कि अगर आप कोई भी, आप टेक्स्ट मटेरियल नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है आपका, पेन, स्लाइड रूल्स, ये लोग, टेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कैलकुलेटर, पेपर्स, मोबाइल फ़ोन, ये सब कुछ आपके बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपके एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप लेके जाते हैं, तो ये उनके रूल्स के अगेंस्ट होता है और आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाला जा सकता है। और इसके अलावा आपके साथ, आपके जो, अगर कोई इंसान ऐसे गड़बड़ियां करता है, मैं ये, अगर किसी इंसान ने अच्छे से प्रिपरेशन करी, तो वो ऑब्वियसली इन चीज़ों को मतलब कि
फॉलो नहीं करेगा, वो अच्छे से एग्जाम्स को एग्जाम पे कंसंट्रेट करेगा और इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ेगा, तो उनके लिए तो ये है नहीं। लेकिन फिर भी अपन को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपन किसी की बातों में भी नहीं आए और ये जो उनके रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले दोस्तों आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, ताकि आपके एग्जाम्स अब देने आया तो आराम से एग्जाम दे सकें कोई बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आपके अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिट कार्ड से और सिलेबस से रिलेटेड, तो आप जो पहले से अपलोडेड वीडियो है उनमें जाके देख सकते हैं, और आप मैं आपको इसके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऐसे ही आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहेंगे ईडू जम्प लाइव क्लासेस पे, तो ईडू जम्प लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।